दोस्तों कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको सिर्फ चाइना में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इतनी अजीब और विचित्र है इसीलिए ये सिर्फ चाइना में ही पाई जा सकती है या इस्तेमाल की जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे चाइना की ऐसी अजीबोगरीब चीजें जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होंगी। जिंदा केकड़े बेचने वाली मशीन। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि चाइना में हर वो चीज खाई जाती है जिसमें जान होती है, फिर चाहे वो कुत्ता हो, चूहा हो या चमगादड़ हो, ये लोग हर चीज खा लेते हैं और इसी वजह से आज दुनिया खतरे में है। इनको जानवरों के प्रति जरा भी दया नहीं आती कि इनमें भी जान होती है, बल्कि यहाँ तो ऐसे मशीनें लगाई हुई हैं जिसमें ये जिंदा केकड़े बेचते हैं। हमारे यहाँ जिन वेंडिंग मशीनों में कैंडी और चिप्स बेचे जाते हैं, चाइना में इन्हीं मशीनों में जिंदा केकड़ों को 5 डिग्री तापमान में रखकर बेचे जाते हैं और उन केकड़ों के साथ ये गारंटी भी देते हैं कि अगर आपको कोई मरा हुआ केकड़ा मिलता है तो उसके बदले आपको 3 केकड़े फ्री में दिए जाएंगे, जिससे पता चलता है कि इनका ये बिजनेस इन बेचारे जानवरों की जरा भी परवाह नहीं करता। जिंदा मगरमच्छ। ऐसा कितनी बार हुआ है दोस्तों कि हम लोग कोई चीज खरीदने मार्केट में गए हो और वहां हमने कोई अजीब चीज देख ली हो और हम चौंक गए हो, लेकिन चाइना में ये आम बात है क्योंकि वहां के मार्केट में आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि चाइना के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी शार्क मछली बेची जाती है। एक बड़ी सी ब्लू शार्क तकरीबन 35,000 रुपयों में खरीदी जा सकती है। इतना ही नहीं, चाइना में मगरमच्छ भी बेचे जाते हैं जिन्हें वो लोग मजे से खाते हैं क्योंकि उन्हें जानवर पर जरा भी दया नहीं आती। चाइना के लोग मगरमच्छ को जिंदा खरीदते हैं जिससे वो लोग खुद मारकर खाते हैं। सच में कितने वाहियात लोग हैं ये। पेशाब में उबले हुए अंडे। दोस्तों दुनिया में कई सारे लोग अंडे खाते हैं, लेकिन यहाँ अंडे पानी में नहीं बल्कि 10 साल की कम उम्र के बच्चों के पेशाब में उबाला जाता है। इसके लिए अंडे बेचने वाले अलग अलग स्कूल के बच्चों को पेशाब जमा करते हैं और उसमें ये अंडे उबाल कर बेचते हैं। ये सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि शायद ही ऐसे अंडे कोई खाना चाहेगा, लेकिन वहाँ इन अंडों को खाना बहुत हेल्दी और बहुत लकी माना जाता है, जिसे वहाँ के लोग बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ तक कि इसे वहाँ का कल्चर भी मानते हैं, इसीलिए ये सालों से वहाँ बेचे जा रहे हैं। भाड़े की गर्लफ्रेंड। चाइना में दुनिया भर की मिलने वाली सारी चीजें मिलती हैं। क्या आपको पता है कि आप चाइना में भाड़े की गर्लफ्रेंड भी रख सकते हैं? चाइना में ऐसी कई कंपनीज है जो गर्लफ्रेंड रेंट पर देती है। जितना टाइम आप उसके साथ रहोगे वो बिल्कुल आपकी गर्लफ्रेंड की तरह रहेगी। इसमें भी कंपनी के कई रूल होते हैं, जैसे इसमें आप उसके साथ फिजिकल नहीं हो सकते, किस नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए होती है जो आपके साथ पूरे टाइम अच्छे व्यवहार के साथ रहती है। ये कंपनी 1 दिन के 1.5 लाख चार्ज करती है। अंत में है एनिमल किचन्स। चाइना के बारे में तो पूरी दुनिया को पता है ही कि जानवर के प्रति वहाँ जरा भी दया नहीं दिखाई जाती। वहाँ के लोग हर तरह का जानवर तो खाते ही हैं, लेकिन उन्हें इतने में ही बस नहीं किया और वो छोटे जानवर जैसे कि छिपकली, छोटी मछली को जिंदा एक किचेंस में बंद करके 50 से 100 रुपए में बेच देते हैं। उनकी किचेंस में बंद बेचारे जीव हवा और खाना न मिलने से मर जाते हैं, जिसके बाद वो किचेंस को फेंक देते हैं और दूसरे किचेंस खरीद लेते हैं। इन सब को देख कर ऐसा लगता है मानो इस दुनिया से इंसानियत खत्म हो चुकी है, और खासकर चाइना से तो 100%। तो दोस्तों आपको चाइना की कौन सी बातें सबसे ज्यादा वाहियात लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो